अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को वेदांत को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मेथी कीमा। और मेथी कीमा कैसे बनेगा, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मेथी ले ली, उबाल ली है काट के चुक के। ये कीमा है, ये मैंने छोटा सा प्याज काट लिया। इसमें ना मैं ना तेल डालती हूँ। आप कहेंगे मतलब मसाले नहीं दिखाए, मसाले मैं ना इसे हल्का सा ब्राउन करके ना लहसुन डाल के ना कीमा डाल के फिर मसाले डालते हैं, इसलिए नहीं दिखाए मैंने। ठीक है, मतलब व्यूअर्स आज देखने कि आप लोगों ने किस तरह से हम लोग जो से हैं मेथी कीमे की रेसिपी को तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि प्याज हमने पहले तैयार करने, उसके बाद हमें कीमा डाल के फिर मसाले डालने हैं। तो आप लोगों ने देखना कि ये जो सी रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो बिना टाइम जाए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जब हम लोगों ने यहाँ पर प्याज उनसे हम पकने के लिए रख दिए, तो वो प्याजों को हमने क्या ब्राउन करना है या हल्का सा करके ना पकाना ही है। फिर ये ना लहसुन डालूंगी, फिर मैं कीमा डालूंगी इसमें। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हाँ, थोड़ा सा हो जाए, और फिर इसके अंदर हम लोग मसाले डालेंगे। तो देखते हैं मज़ेदार से जो सी हमारी मेथी कीमे की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो फिर हम लोगों ने जो सा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी शामिल कर दिया है। अब हम जो उनके मसाले हैं वो भी शामिल करेंगे। हाँ जी, फिर थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद हम लोग सिर्फ स्पाइस डालेंगे। हाँ जी जी। तो फिर जब हम लोगों ने जो कीमे को है, मिर्च का डाल दिया मैंने, पहले नहीं ना डालना था इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। ये हल्दी, ठीक है, एक चम्मच नमक का, वो अपनी मर्जी से भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे हम। हाँ जी, ये के बाद हम इसके हाँ जी, ये भून के ना अब ये मैं थोड़ा सा ना पकने के लिए रख दूँगी। इसमें पानी भी है ना, तो ये पक जाएगा ना फिर 5-10 मिनट, क्योंकि है तो मशीन का, जल्दी गल जाएगा ये। तो फिर इसे ना मेथी डाल के ना भून लेंगे। जी तो व्यूअर्स, जब हम लोग देखते हैं जो कीमा हम लोगों ने पकने के लिए रखा था वो, जी हाँ हाँ जी, देर से तैयार हो चुका है, तैयार हो गया, ये भी निकल आया इसका। तो ना अब मैं ना इसमें ना पालक डाल, मेथी डाल। तो मेथी हम लोगों ने पहले बॉईल कर ली थी, तो अब हम लोग उसको शामिल कर रहे हैं कीमे के अंदर। तो कीमा हम लोगों ने आप लोगों के सामने तैयार किया है, मेथी को सिंपली हमने बॉईल किया है। तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी, बहुत अच्छी और मज़ेदार सी बनेगी। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। तो अब फिर मामा दोबारा पकने के लिए रखेंगे कि बस मतलब पानी खुश करके हमारी रेसिपी जो है वो डन हो जाएगी। हाँ जी, ये थोड़ा सा पका होंगे ना, भूनती हूँ ना, फिर पानी डाल के मिक्स करती हूँ इसको, अच्छे से मिक्स करना है। पानी डाल के हम लोगों ने फिर इसको बाद में भूनना है, और उसके बाद जो उसकी हमारी रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। आप पका के देखिए, बहुत मज़े की बनेंगी ये मिर्ची कीमा। मैंने हल्की आँच पे ना रख देती हूँ, फिर ये 10 मिनट के लिए पकना। तो व्यूअर्स, जब देखते हैं कि जो सी हमारी आज की रेसिपी हम लोगों ने तैयार की है मेथी कीमा, वो तैयार हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको भूनना था। ये ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और पक गई है। जो उसका घी है वो भी साइडों पर आ गया है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी रेसिपी है वो फाइनल हो चुकी है। तो व्यूअर्स, को डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जो सी मेथी कीमे की रेसिपी है बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। इसको हमने डिश आउट कर लिया है, और जो मेथी है वो भी मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई, जो कीमा है वो भी अच्छी तरह से पक गया है। तो खुशबू इसकी बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है, ये देखें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है हमने मेथी कीमे के हवाले से शेयर की, आपको पसंद आएगी। पसंद आए हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को वेदांत को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।